नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार गुप्ता। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आपने हमारे इस वीडियो के थंबनेल में पहले ही देख लिया, आज मैं बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में सेल्फ स्टडी वर्सेस ट्यूशन या कोचिंग के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और क्या एडवांटेज हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है इस वीडियो में जो भी मैं बोलूँगा, हो सकता है कुछ लोग मेरे विचारों से सहमत ना हो और बहुत हो सकता है सहमत भी हों। फ्रेंड्स, आज की डेट में ये सिनेरियो ऐसा है कि अगर आप देखें तो जितने भी लोग अपना लाइफ में बचपन से लेकर के आज तक जिनको फैसिलिटीज़ कम मिली हैं और जिन्होंने स्ट्रगल ज़्यादा किया है आज की डेट में, वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा डिसीजन मेकिंग टाइप के पर्सन हैं। कहने का अभिप्राय ये है दोस्तों कि जिन्होंने लाइफ में जिन्हें सुविधाएं कम मिली, उनको एजुकेशन से रिलेटेड, उनको घर में जो है सुख सुविधाओं से रिलेटेड, आज वो रदर देन जिनको बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। फ्रेंड्स, आजकल माँ बाप जितने जो न्यू पेरेंट्स हैं उनको जब मैं देखता हूँ तो उनके अंदर एक होड़ सी लगी हुई है कि उनका बच्चा जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ता है, बहुत अच्छी बात होती है। उसके बाद में वो जो है उनको जब जैसे ही मतलब उनको बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है, उनको घर पे ट्यूशन कोचिंग या फिर जो है यानी टोटली इंगेज करके पेरेंट्स रखते हैं। वो ये सोचते हैं कि हमारा जो बच्चा है अगर ये सुबह से लेकर शाम तक हमेशा इंगेज रहेगा स्कूल में 5-6 घंटे, उसके बाद में ट्यूशन में कोचिंग में, तो बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है, मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को ऑब्जर्व किया है और उनको नोटिस किया है कि मैंने देखा कि वो बच्चे जो है जब तक उनका ट्यूशन कंटिन्यू चलता रहता है तब तक तो उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। मंथ वाइज उनके जो टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जैसे ही उनके 1-2 महीने के लिए भी अगर उनका ट्यूशन ड्रॉप कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो वो फिर से उनका ग्राफ डाउन होने लगता है। फ्रेंड्स, इस भाग दौड़ में जो है एक जो सबसे बड़ी जो है मतलब मिस्टेक होती है, सोचिए अगर जो है आप स्ट्रगल नहीं करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। आप जो है जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं मानते हैं, उनको थोड़ा समय लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में समझने में, पर उनको एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि उनकी जो तर्क शक्ति है, उनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती है और वो बहुत सारी चीज़ों के वो डिसीजन खुद ले लेते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप एक चीज़ दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं, जो भाई जो भी जो है अपने परिवार में अगर वो सबसे बड़ा होगा, जिसने जो है बहुत ज़्यादा समस्याओं को झेला होगा, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उसके सर पे रही होंगी बचपन से, फैमिली की, बच्चों की, या फिर मान लीजिए कि जो है और भी बहुत सारी जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर रही हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आप हो सकता है कि वो जो है एज पर कहीं जो है डिग्री में नंबर्स में थोड़े पीछे ज़रूर हो जाएँ, बट वो काफ़ी ज़्यादा जो है हुनरमंद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्निकली साउंड होते हैं, बहुत अच्छी उनको नॉलेज होती है और कहीं भी सोसाइटी में किसी भी जगह पे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से अपने आप को पेश कर पाते हैं। और इधर जो टोटली जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के सहारे पे डिपेंड रहते हैं, जिनको हमेशा उंगली पकड़ करके काफ़ी दिनों तक चलाया जाता है, काफ़ी दिनों तक, मेरे कहने का मतलब कि हर बात के लिए उनको सपोर्ट दिया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, वो क्या है उनके साथ ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो हर बात के लिए डरते हैं और उसमें जो है सबसे बड़ा नुकसान उनका खुद का होता है। लाइफ में जब आगे जाने के बाद जब उनको कभी ऐसी सिचुएशन आती है, जब उनको लाइफ में जो है कोई मोटो नहीं मिलता है, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशनाइज हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कंपल्सरी है कि लाइफ में जो है स्ट्रगल करना और उसके बाद में सेल्फ स्टडी, ये जो है कहीं ना कहीं जो है बहुत फायदेमंद होती है उन बच्चों के लिए। तो फ्रेंड्स, मेरा ये कहना बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने बच्चों को या आप ट्यूशन या कोचिंग बिल्कुल भी ना करिए, बट मैं ये भी ज़रूर कहूँगा कि आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, क्योंकि हो सकता है मानते हैं
ट्यूशन या कोचिंग से आपको एक डायरेक्शन जरूर मिल जाता है, आपका टाइम जरूर बचता है, लेकिन अगर आप टोटली उसी पे डिपेंड रहते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, अब तो आपकी जो तर्क शक्ति है और आपकी जो एक सोचने की क्षमता है, जो डिसीजन लेने की क्षमता है, ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं होगी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ये आज की जो भाग दौड़ भरी लाइफ है, इसमें जो है अपने आप को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के और बहुत ही जो है संतुलित रह करके आपको चीज़ों को जो है एडॉप्ट करना है और आगे बढ़ना है। और मेरी जो है विशेष जो है आप लोगों के साथ में है, आप लाइफ में बहुत ग्रो करें और काफ़ी सारी सक्सेस मिले, आप जिस भी जो भी विजन आपने सेट किया हुआ है अपने लाइफ में। फ्रेंड्स, ये जो कुछ थॉट्स थे मेरे, जो मेरे खुद के विचार हैं, जो मैं इस तरह से सोचता हूँ, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों फिर नमस्कार, धन्यवाद।